Yes, today students, we will be proceeding to the fourth step of our cash flow statement. Till now, what we have learned? We have learned how to calculate cash flow from different activities. So firstly, we learned how to calculate operating activities cash flow. So it can either be generated or used. अगर generated है तो आप उसे without bracket लिखेंगे और उसे मैं number one बोलूंगी या A. ठीक है, सो ए एक्टिविटी इज योर ऑपरेटिंग. आपने सारा फुल फ्लेज वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है. देन वी डिड अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वी विल बी कॉलिंग इट बी. अगर पॉजिटिव में आंसर है तो विदाउट ब्रैकेट लिखना. दोनों में से एक वर्ड चलेगा. जनरेटेड तब होगा जब ये पॉजिटिव में आ रहा है, यूज्ड तब वर्ड होगा जब ये नेगेटिव में आ रहा है, राइट. सिमिलरली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड स्टेप ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कैश यूज्ड और जनरेटेड इन माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब तीनों एक्टिविटीज को ऐड करना है स्टूडेंट्स. अगर तीनों को ऐड करके आंसर नेगेटिव में आता है तो वी विल बी कॉलिंग इट नेट डिक्रीज. अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो वी विल बी कॉलिंग इट इंक्रीज. या तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश and cash equivalents. So what we used to do here, A activity plus B activity plus C activity. Agar tino ka answer positive mein aata hai, you will be using a word net increase in cash and cash equivalent. Agar tino activities ko add karke hamara answer negative mein aa raha hai, to you will be calling it net decrease in cash and cash equivalent. This is our fourth step. Bahut baar usne ye pucha hum logon se question mein, one mark mein. After calculating all the activities, cash flow from all the three activities, what is the next step? So our next step is to calculate net increase or decrease in cash and cash equivalent. Now, fifth step is add opening balance. अभी तक हमने क्वेश्चन में से सिर्फ एक चीज छोड़ी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Rest all the assets and all the liabilities we have treated in different activities. Only cash and cash equivalent we have left. So, मेरे पास गिवन बैलेंस शीट में उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है. आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उठाना है, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. और उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज कैश इन हैंड, दिस इज हैंड, देन कैश एट बैंक, देन वी हैव मार्केटेबल सिक्योरिटीज, we have short term investment, we have demand deposit. So these can be our cash equivalents. Ho sakta hai dono mein se ya char panch item mein se koi ek do item hi aapko given ho. So whatever he is giving in the form of cash and cash equivalent, that you have to see, and that all items you will be adding unka opening balance aap yahan pe add karoge. What you will see, आंसर आपका क्वेश्चन में ही होगा. फोर्थ स्टेप में ये फिफ्थ स्टेप ऐड करने के बाद यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लेना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर आएगा और वो क्वेश्चन में ही अवेलेबल है. अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में आ जाता है, सो दिस स्टेप आई विल बी कॉलिंग डी, दिस स्टेप आई विल बी कॉलिंग ई. ई में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे को क्या करना है, एड करना है. So F step पे I will be arriving, which we call closing balance of cash and cash equivalent. तो जो opening में थे वही closing में होंगे, cash and cash equivalent. आपने cash in hand में cash or bank closing add करके देखना है, marketable securities add करके देखनी है, short term investment या current investment add करके देखनी है. You will find whatever is their grand total given in the balance sheet, same total you will be getting here. अगर टोटल आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं आता, इट मींस कि समथिंग रॉन्ग इज इन योर सॉल्यूशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू पिक द फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन वेयर बाय ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्टिविटीज. सो वी हैव 50th इलस्ट्रेशन इन आवर बुक, इट्स ऑन पेज नंबर, दिस इलस्ट्रेशन ही हैज प्रिपेयर्ड विदाउट एडजस्टमेंट. वैसे तो हमारे सिलेबस में विद एडजस्टमेंट है भाई. So one simple question, firstly I will be discussing with you so that you can have an idea. Otherwise paper में दो तीन adjustment वाला question ही आना है, जैसा इस बार के sample paper में उसने डाला. So let's see 50th illustration first of all. It's on page number 5.60.
come at page number 5.60. ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 revised के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द करंट ईयर. आपने डेट भी लिखनी है फॉर द ईयर एंडेड, राइट? अगर कंपनी का नाम क्वेश्चन में दे रखा है तो टॉप हेडिंग बोल्ड लेटर में आपके सॉल्यूशन में बुक का ऑथर कंपनी का नाम भी लिखता है. लाइक इन माय 50th इलस्ट्रेशन वी हैव द कंपनी नेम इन द क्वेश्चन टेक्नो इंडिया लिमिटेड. सो टॉप हेडिंग ही गिव्स टेक्नो इंडिया लिमिटेड. देन ही राइट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. आप ब्रैकेट में लिख देंगे एज पर AS3 रिवाइज्ड. टेक्नो इंडिया लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 21 है ना? यस. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. In bracket, I always write AS3 revised. So this can be your large bracket because revised I am putting in small bracket. So this can be like this, right? So like that way we will be giving the top heading. Now format I am going to prepare here. First column will be larger enough which denotes your particulars. सारा प्लस और माइनस वहां पे होगा और प्लस और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी माय सेकंड कॉलम एंड वी विल बी कॉलिंग इट अमाउंट, राइट? इन योर बुक ही राइट्स ओनली रा, द सिंबल ऑफ रुपीस. आप अमाउंट भी लिख सकते हैं. दिस इज पर्टिकुलर्स, इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट ओनली. ठीक है, अमाउंट रा, डन. So this thing is there to start the question. उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो आई विल बी मेकिंग द हेडिंग, जैसे वो ए बोलता है इसे, जैसे आपने बुक आपके बुक में लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. हेडिंग बनाइए फर्स्ट, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. तो आई हैव टू सर्च एंड फॉर दैट आई एम रेफरिंग माय नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स में सीधा मेरा ध्यान गया, दिस इज सरप्लस. और लास्ट ईयर सेकंड कॉलम प्रीवियस ईयर का है, फर्स्ट कॉलम करंट ईयर का है. करंट ईयर 230 में से मैंने 1 लाख माइनस किया, आई गॉट 130. देन आई विल सर्च, क्या मेरे को वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? आई विल सर्च फॉर प्रपोज डिविडेंड, आई विल सर्च फॉर जनरल रिजर्व, आई विल सर्च फॉर इंटरिम डिविडेंड, आई विल सर्च फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स. सो लेट्स सी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर टैक्स, देयर इज नो इंटरिम डिविडेंड, देयर इज नो प्रपोज डिविडेंड गिवन इन द क्वेश्चन. सो डायरेक्टली दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट पॉइंट. दोनों के डिफरेंस को 130 हम वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. वर्किंग नोट में मेरे को कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ा बिकॉज देयर इज नो अप्रोप्रिएशन. Always the criteria of the authors of different books, they always move from simple to complex. So, वो पहले आपको एक सिंपल केस बता रहा है जहां पे मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स वो स्किप कर रहा है, वो सिर्फ आपको एक सीक्वेंस समझाना चाहता है that how the question is to be solved. So, this is going to be my net profit before tax and EOI, right? So, it is for examiner, you will be telling him how you calculated it, 230 minus 1 lakh. So it comes to me 1,30,000. Agla step kya hota hai students? Add non-cash and non-operating expenses. Jab main solution ki taraf dekhti hoon aur main apni items ko check karti hoon, to aapka asset ka value 5 lakh se 6,60,000 hua hai, asset bada hai. To depreciation to nahi maan sakte na. Depreciation nahi hai equation mein, koi bhi non-operating expense nahi hai. Second step also we are going to skip. So this is going to be your profit before working capital changes. यही आपका profit आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है. तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप वो भी हमारा क्या हो गया, बीच में से स्किप हो गया, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. ना कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है, सो मेनी आइटम्स ही इज नॉट गिविंग. सो सीधा इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. उसने नहीं लिखा ये स्टेप, आप लिखने की हैबिट बनाओ, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो द अमाउंट विल रिमेन सेम. नाउ व्हाट टू डू, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर वेरी मच देयर इन द क्वेश्चन. तो मैंने आपको एक बात बताई हुई है, हमेशा पहले एड वाला लिखना. एड वाला क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. पहले करंट लायबिलिटीज देखो, 7 लाख से करंट लायबिलिटी कम होके 4.5 लाख रह गई, वो लेस में आएगा, मींस आपने पेमेंट कर दी. क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन, नेगेटिव में जाएगा वो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. 7 लाख में से 450 जब मैंने माइनस किया, दिस कम्स टू मी 2,50,000. लेट्स सी करंट एसेट्स. इन्वेंट्री का बढ़ना मींस मैंने इन्वेंट्री खरीदी है, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी योर आउटफ्लो, राइट. इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लेट्स कंपेयर इट्स वैल्यू. अर्लियर इट वॉज 8 लाख, नाउ इट हैज बिकम 9 लाख, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 1 लाख. इट इज गोइंग टू बी आउटफ्लो, राइट. ये हमारा आउटफ्लो है. आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल. अगेन माई करंट ऐसे 12 लाख से कम हो गया, कितना हो गया, 11.5 लाख. मींस डेटर्स ने या रिसीवेबल्स ने या बीआर ने मेरे को इतनी पेमेंट कर दी होगी, तो 50,000 की मेरे को पेमेंट क्या हो गई है, रिसीव हुई है. क्या लिखेंगे फिर इसको, इन्वेंट्री कहां पे लिख रहा है, रिसीवेबल. सो इट इज डिक्रीजिंग ना, जब करंट ऐसे डिक्रीज होता है मींस हमारे को पेमेंट मिल रही है. एड होगा ये, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज 50,000 पॉजिटिव. कम टू नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग क्वेश्चन के एंड में ट्रीट करते हैं. चलिए जी, ये 50,000 एड है और 3.5 लाख क्या है, माइनस है. ओवरऑल माइनस में कितना गया आपका, 3 लाख. 3 लाख यहाँ पे माइनस में हुआ. सो दिस फिगर इज इन नेगेटिव, दिस फिगर इज इन पॉजिटिव. वी विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी 170. 3 लाख में से 130 माइनस करो, 170. क्योंकि नेगेटिव वाली फिगर ग्रेटर थी तो साइन वो वाला लगेगा. इट मींस कि पहली एक्टिविटी का आंसर जिसे मैं ए बोलूंगी, वो आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आया है. इसके बिल्कुल पैरेलल यू विल बी राइटिंग कैश. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा क्वेश्चन का, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो अब हम बी हेडिंग बनाएंगे, जैसे ए में लिखा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नाउ इन माय बी हेडिंग यू विल बी राइटिंग, सीक्वेंस में चलेंगी सारी एक्टिविटीज, यू विल बी कॉलिंग इट इन्वेस्टिंग. हेडिंग बनाइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. हु विल टेल मी व्हाट इज बीइंग इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, रेज योर हैंड्स और सेंड योर मैसेजेस इन माई चैट बॉक्स. What is being included in investing activity? How will you differentiate investing and operating activities? Who is there? Divyalin, will you tell? Divyalin, unmute karo. Divyalin, investing activity mein kya include karte hain? So next student on my screen is Bhavneet. Aap bataiye Bhavneet. What is being included in investing activities? And purchase of assets. Which assets? Fixed asset. Non-current assets and non-current investment, right. So only asset will not work here, because asset includes current asset as well as non-current assets. Current assets hum operating mein treat kar chuke hote hain. Hamare paas kya aata hai? Sale and purchase of non-current assets. So I have only one non-current asset if I see my question. So that is land, hai na? उसने बोल ही दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मेन हेडिंग है. और उसमें टेंजिबल एसेट में लैंड है एट प्रेजेंट हमारे पास. 5 लाख से बढ़ के आपकी लैंड 6,60,000 हो गई है. इट मींस कि आपने लैंड परचेज करी. सो व्हेनेवर द नॉन करंट एसेट्स इंक्रीजेस वी ट्रीट इट परचेज. एंड परचेज का मतलब आउटफ्लो. तो आप लिखेंगे यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड 1,60,000.
यही आपका आंसर होगा आपकी एक्टिविटी का. इसके नीचे आप लिखेंगे, देखो उसने इसी को लिखा है ना, परचेज ऑफ लैंड वो अंदर लिखता है अंदर वाले कॉलम में, और बाहर वाले कॉलम में ही विल बी कॉलिंग इट, फिर से नेगेटिव आंसर आया, एंड आई विल बी कॉलिंग इट बी. ये मेरी बी एक्टिविटी का आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर है. आई विल बी राइटिंग कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्टिविटीज. डन. सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू माई थर्ड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड पॉइंट में मैं उसे सी नाम दूंगी, एंड आई विल बी कॉलिंग इट कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वी टेक इनटू कंसीडरेशन योर इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड. दीज ऑल थिंग्स आर नॉट बीइंग गिवन. सो लेट मी चेक बोरोड कैपिटल और ओनर्स कैपिटल में कितना चेंज है. दिस इज कैश फ्लो, सी नाम देंगे इसे. पहली एक्टिविटी का आंसर माइंड में रखना और मैं टॉप पे लिख देती हूँ. पहली एक्टिविटी का आंसर हमारा 170 था, ठीक है, वी कॉल इट ए. यहां तक इरेज कर देते हम लोग. हाँ, कॉल इट सी. आपका तो फुल फ्रेश शीट होगा और रजिस्टर का पेज होगा, यू कैन कंटिन्यू विद इट. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अंडरलाइन इट. अब देखिए शेयर कैपिटल का बढ़ना और कम होना क्या होगा. शेयर कैपिटल है हमारे पास और डिबेंचर्स कुछ है ही नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में था ही प्रॉफिट. तो अर्लियर इट वॉज 20 लाख एंड नाउ इट हैज बिकम 25 लाख. तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड. आपने नई कैपिटल रेज करी, सो इट इज इनफ्लो ऑफ कैश. कैपिटल का बढ़ना इज ऑलवेज इनफ्लो, कैपिटल का कम होना इज ऑलवेज आउटफ्लो, बिकॉज इन दैट केस दैट इज माई रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल. एम आई राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. Any doubt to anyone till now? We want to ask anything? Iske saath wording kya likhenge? We will be writing the wording, that is share capital raised. Had it been decreasing? Aam taur pe equity share capital decrease nahi hogi bhai. Preference share capital ya debentures decrease honge. We will be calling in that case redemption. But hereby it is increasing. Kya likhenge? Equity share capital raised. Inflow of cash. 5 लाख से पॉजिटिव. ये इंटरनल कॉलम में लिखो क्योंकि इसके अलावा और कोई एक्टिविटी ही नहीं है. अब बाहर वाले कॉलम में 5 लाख लिखो और इसका आंसर पॉजिटिव है. और क्या लिखेंगे, पॉजिटिव है मींस कैश जनरेटेड. देखो 5 लाख ही है ना बस. कैश जनरेटेड इन विच एक्टिविटी, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कॉल इट एस सी. स्टूडेंट्स वी हैव ए, वी हैव बी. ए और बी दोनों क्या है, नेगेटिव है. 170 प्लस 160 मैंने मेंटल कैलकुलेशन करी, 330 नेगेटिव आया. और 5 लाख क्या है, पॉजिटिव है. 5 लाख में से 330 नेगेटिव माइनस किया तो मेरे पास आंसर 170 आया. और ये कैसे आया स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी करके और पॉजिटिव. आपको फोर्थ स्टेप का नाम बताया हुआ है, इसे बोलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आई विल बी कॉलिंग इट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड कर देंगे आंसर ऑटोमेटिकली. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, एंड दैट इज वेरी मच गिवन इन द क्वेश्चन. आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन खुद करके उसी टाइम पता चल जाएगा आपका सही है कि गलत. जैसे फाइनल अकाउंट्स की आमतौर पर अगर बैलेंस शीट मैच हो जाती थी प्लस वन क्लास में, तो वी आर एज्यूमिंग 99% माई क्वेश्चन इज करेक्ट. सेम इज गोइंग टू बी हियर. दिस इज नेट इंक्रीज इन कैश and cash equivalents. Done. Add. इसमें क्या करें, opening balance of search of cash and cash equivalents. So opening balance of cash and cash equivalent he is giving me in the question, that is 3 lakh. 170 में 3 lakh add किया, automatically what you see, 3 लाख में 170 ऐड किया, यू गेट द आंसर 470, एंड दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस गिवन यू इन द क्वेश्चन. इसके आगे लिखेंगे, आ गया हमारा आंसर मैचिंग विद द गिवन बैलेंस इन द बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक स्टेप समझाए हैं उसने.
closing balance of cash and cash equivalent. So we arrived at the answer, and that answer is very much there in the question itself, right? So now we will be picking a question with adjustment. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, you may ask. अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, मेरे को एडजस्टमेंट वाला करवाना है. यस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में आया जो अभी सीबीएसई का रिलीज हुआ है. 52nd देखो, विद एडजस्टमेंट्स ही करना है, वही है हमारे सिलेबस का पार्ट. 52nd इलस्ट्रेशन देखिए, फिर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे. टुडे अगेन वी हैव वन मोर अकाउंटेंसी पीरियड, दैट इज 6th पीरियड, राइट? सो वी विल बी डूइंग एट द टाइम योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. पहले ये 52nd करते हैं, और उससे पहले यू हैव 4th पीरियड विद मी, दैट इज ऑफ बिजनेस स्टडीज. Today is the third day. We will be winding up the chapter financial management. Be regular for your classes, students. If you are not attending your periods, it means ki how will you cover the syllabus and what you are thinking about. Paper to hone hi hai bete. 52nd dekhiye. Jo bhi company ka naam hoga, wo company ka naam top pe likh denge. Jo bhi date hogi, wo likh denge. Cash flow statement for the year ended. Jaise balance sheet ki heading likha karte the. Let's begin. So this time it is Balaji Limited. Upar top heading likho, Balaji Limited. Ab usne khud bola na, prepare cash flow statement as per AS 3 revised. Aur main pehle se hi heading likhna aapko sikhati hu, theek hai? So at the top I will be putting the heading Balaji Limited. That is the name of the company. Balaji Limited. Balaji Limited mere ko lagta hai Ekta Kapoor ki company hai. चलिए जी, अगेन द फॉर्मेट और डेट देखिए, 21 ही है. यस, डेट विल रिमेन सेम, 31st March 2021. आई एम रिपीटिंग द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन. यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द 3 एक्टिविटीज फर्स्ट. उन तीनों एक्टिविटीज को 4th स्टेप में ऐड कर देना है. अगर तीनों को ऐड करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, आप उसके सामने लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उसमें जो आया आपका प्लस माइनस प्लस करके तीनों एक्टिविटीज को, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड योर करंट इन्वेस्टमेंट विच वी कॉल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज वेरी मच गिवन इन योर गिवन बैलेंस शीट. क्वेश्चन में ही आंसर रहता है. This is particulars. This is amount in ra symbol of our Indian currency. Let's begin the question. Adjustment पहले पढ़नी है. जैसे final accounts में मैं कहती थी, पहले adjustment पढ़ो. जिन items से related adjustment है, उन items को tick लगाओ अपनी trial balance में. अब यहाँ पे मेरे पास balance sheet है, तो I will be searching those items in my balance sheet and I will be putting the tick over that. इनकम टैक्स पेड, मेरे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, नहीं है. तो अगर बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बैलेंस अपीयर नहीं कर रहा, तो जो आपके पास पेड है वो आपकी एडजस्टमेंट है. एंड एडजस्टमेंट मैं पहले दिन से बता रही हूँ, इज टू बी रिटर्न एट टू प्लेसेस. वन, यू विल बी एडिंग इट टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन सेम अमाउंट यू विल बी डिडक्टिंग एज टैक्स पेड. मीन्स यही आपका मेड होगा, यही आपका पेड होगा. इतने का बैलेंस आपने अपने P&L में से अप्रोप्रिएट करके बनाया होगा और यही आपने पे किया है. बिकॉज इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. सो यही ऊपर ऐड करना है, यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे माइनस करना है. व्हाट अबाउट डिविडेंड? दैट इज गोइंग टू बी योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नीचे माइनस करेंगे. आगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? सो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. डिविडेंड नहीं लिखा, डिविडेंड को पहले ट्रीट कर दिया, ठीक है, वर्किंग नोट्स में ही करेंगे. हियर बाय आई विल बी प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट्स. हाउ आई यूज टू स्टार्ट, दिस इज माई वर्किंग नोट्स. नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर से मैं हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट कराया करती थी. Net profit earned and that is the difference of your surplus of statement of P&L. Current year में से previous year minus करो and that is appearing in notes to accounts. Earlier it was 50,000 and now it has become 185. It means कि दोनों का difference 135 is net profit earned during the year. चार चीजें इसमें add किया करते थे. Interim dividend, proposed dividend of previous year. provision for taxation of current year, that is tax made during the year and transfer to general reserve.
रिजर्व के बारे में कुछ नहीं है, डिविडेंड और टैक्स दोनों है, तो दोनों ऐड करेंगे. पहले टैक्स, ऐड इनकम टैक्स. हाउ मच? 35,000. ऐड डिविडेंड, दैट इज 30,000. 2 लाख से क्वेश्चन स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स. सो इस 2 लाख को हम लोग क्या बोला करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. और साथ में मैं एग्जामिनर को बताऊंगी हाउ आई कैलकुलेटेड इट, दैट इज अपियरिंग इन माय वर्किंग नोट्स. मेरे वर्किंग नोट्स में ये अपियर कर रहा है. वर्किंग नोट्स में मैंने बता दिया एग्जामिनर को कि 2 लाख कैसे आया. सो दैट इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पॉइंट. उससे भी पहले मेरे को लगता है हेडिंग बनाना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, एंड कॉल इट ए, बिकॉज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माई फर्स्ट एक्टिविटी. ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. डन. अब पहला स्टेप आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स से पहले चाहिए इसलिए तो मैं टैक्स ऐड करती हूं. बिफोर टैक्स एंड ईओआई आमतौर पे क्वेश्चन में नहीं होती. साथ में लिखेंगे सी द वर्किंग नोट्स, डब्ल्यू एन. वर्किंग नोट्स में देखो, और वर्किंग नोट्स में हम लोगों ने दोनों चीजें ऐड करके कितनी अमाउंट निकाली? 2 लाख. अगला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन कैश में आमतौर पर डेप्रिसिएशन आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ आता है, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो व्हाट एल्स ही इज गिविंग? ही इज गिविंग मी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ही इज गिविंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो अगला स्टेप हम लिखेंगे एड नॉन कैश स्लैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसमें एक ही आइटम है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. इंटरेस्ट एंड दैट इज अपीयरिंग इन एन एडजस्टमेंट. सो दिस इज गोइंग टू बी एडेड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इज गोइंग टू बी शोन एज एन आउटफ्लो इन योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो बाहर वाले कॉलम में सीधा ऐड कर दें. उसके बाद हमने सर्च करना होता है कहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स तो नहीं है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. सो नथिंग इज मिग मेंशन. सो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट स्टेप. मैं उस स्टेप को छोड़ दूंगी. सीधा मैंने 2 लाख में 4,000 ऐड किया तो हम अगले स्टेप पे मूव हो गए, विच वी कॉल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो ये वाला जो प्रॉफिट है इसके बिल्कुल पैरेलल यू विल राइट ऑपरेटिंग प्रॉफिट before working capital changes. So now I am going to consider my current assets and current liabilities. So let us see current assets कितने हैं और current liabilities कितनी हैं. क्योंकि मेरे question का sequence liabilities पहले रहता है तो मैं liabilities में पहले देखती हूँ. current liabilities में मेरे पास दो चीजें हैं. वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. आई विल नॉट कंसिडर इट हियर बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज और डिक्रीज मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है. भूल के भी इसे यहां पे मत लिखना, राइट? तो एक ही करंट लायबिलिटी रह गई, दैट इज ट्रेड पेबल. 85,000 से बढ़ के 1,05,000 हो गया. सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20,000. जब कभी भी करंट लायबिलिटी बढ़ती है दैट इज माई इनफ्लो ऑफ कैश. सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर एड इंक्रीज इन टीपी, दैट इज 20,000. अब करंट एसेट अगर कोई कम हुई होगी तो वो भी एड होगी. अगर करंट एसेट बड़ी होगी तो वो हमारी माइनस होगी. करंट एसेट में आई हैव इन्वेंट्री. इन्वेंट्री बढ़ गई है भाई, 80,000 से 90,000 हो गई. करंट एसेट का बढ़ना इज ऑलवेज माई आउटफ्लो. आई विल बी डिडक्टिंग इट. इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, दैट इज 10,000. सो I will be putting it in bracket because it is my outflow. Trade receivable ka kam hona means 30,000 ki mere ko payment mil gayi. Every time I deduct the previous year balance from my current year balance. 120 minus 90, 30,000. Kya likhenge? Inflow of cash hai. Decrease in trade receivable, that is TR, it is 30,000. So students, in dono ko add karke 50,000 maine ye bahar wale column mein likha. 50,000 में से 10,000 ऑटोमेटिकली मेंटल कैलकुलेशन मैंने करी तो 40,000 आया. दैट 40,000 आई विल बी राइटिंग इन माय एक्सटर्नल कॉलम. सो इट कम्स टू मी
2,44,000, which he calls cash generated from operations before tax. क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स गिवन है तो इस फिगर, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पैरेलल नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे एरो बना के थोड़ा सा, मेरे को ये लाइन ऊपर लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे एरो बना के आई विल बी राइटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, आपका बिल्कुल लाइंस में होगा चीज, तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट. इसके आगे क्या लिखेंगे, कैश क्योंकि पॉजिटिव में आंसर है, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, सी द बॉटम ऑफ द बोर्ड, फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स. क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है, लेस टैक्स पेड 35,000 माइनस कर दीजिए, अगला स्टेप है ये, लेस टैक्स पेड दिस इज 35, सो योर आंसर ऑफ दिस एक्टिविटी कम्स टू अस 2,09,000 एंड मार्केट एज ई. फर्स्ट स्टेप मैंने क्वेश्चन का कर लिया, और क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसके आगे आप फिर से लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. So this 2,09,000 you calculated, which you are going to call cash generated from operating activities. Now directly I am going to start with my second activity, which we call investing activity. Book में से देखो जरा investing activity में क्या क्या आएगा. एक ही चीज आएगी, that is plant and equipment. Starting में कितना था, 2,00,000, end में कितना हो गया, 280. इससे related कोई adjustment नहीं है, sorry 480. So there is an increase of 2,80,000. Means आप मान के चलेंगे परचेज हुआ है. अगर परचेज हुआ है आपका फिक्स्ड एसेट, सो इट इज गोइंग टू बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेगेटिव में आंसर आएगा 280, बुक में देख लो, 280 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव में आंसर आया. नाउ फाइनेंसिंग आई विल बी कैलकुलेटिंग फॉर यू. फाइनेंसिंग में देखते हैं, हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी है और शेयर कैपिटल भी है, दैट इज माई सी एक्टिविटी. ए एक्टिविटी का आंसर 2,09,000 आया, बी एक्टिविटी का आंसर 2,80,000 आया, लेकिन नेगेटिव. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड एक्टिविटी व्हिच वी कॉल फाइनेंसिंग. शेयर कैपिटल का बढ़ना और कम होना, डिबेंचर्स का बढ़ना और कम होना, वी ऑलवेज राइट हियर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दिस इज सी. देखिए जी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी इधर आना है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट भी इधर आना है. शेयर कैपिटल बिगिनिंग में 3,00,000, एंड में 4,50,000 शेयर कैपिटल रेज, 1,50,000 की शेयर कैपिटल आपने रेज करी, इनफ्लो, शेयर कैपिटल रेज्ड 1,50,000. बैंक ओवरड्राफ्ट देखो बड़ा है कि कम हुआ है. बैंक ओवरड्राफ्ट सेम रहा, छोड़ दीजिए, नो चेंज एट ऑल, बट इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इट वॉज 4,000, दैट इज नेगेटिव पेड. So, एक फिगर पॉजिटिव है, दूसरी फिगर नेगेटिव है, आंसर 146 आएगा, लेकिन पॉजिटिव, आई विल बी कॉलिंग इट सी. अब तीनों एक्टिविटीज को मेरे को ऐड करना है, और तीनों एक्टिविटीज को, ओके, डिविडेंड पेड छोड़ दिया बेटे हमने, वो भी माइनस करना है. डिविडेंड पेड ये देखो लिखा होगा, डिविडेंड पेड इज 30,000, 30,000 और माइनस हो जाएगा, सो ओवरऑल 34,000 माइनस हुआ, 160. अब अगला स्टेप क्या होता है, तीनों एक्टिविटीज को ऐड करो, क्या लिखेंगे, और तीनों एक्टिविटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, इंक्रीज ही आना, क्योंकि नेगेटिव वाली फिगर हमारी 280 शॉर्टर है. क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. देखना जरा, 29 आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, 116 आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 15,225 और 280 आपकी फाइनेंस इन्वेस्टिंग थी, नेगेटिव 0,005, 45,000, बिल्कुल ठीक है, मैचिंग विद द बुक. सो तीनों को मैंने क्या किया, ऐड 45,000, इंक्रीज आया. इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 85,000. So you will get 130, which is your closing balance of cash and cash equivalent, and we got the answer from the question itself. ये opening balance है, question में given है. जैसे मैंने opening balance net increase में add किया, आप check करो आपकी book में 1,30,000 ही closing balance है of cash and cash equivalent. So this is the full fledged question. How the question is to be solved, how the adjustments are to be considered, we discussed each and everything. Right? Now in the next period, 6th period, we will be solving few back exercise question. Right?
1 or 2 days more we will be using for this chapter. Then be ready with your debentures, second book.